ये एक्चुअली शो शुरू हुआ था जस्ट एज अ कुकिंग शो विच आई वॉन्टेड टू डू. मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मुझे खाने का बहुत शौक है और मुझे कुकिंग शोज देखने का भी बहुत शौक है. तो ये बनते बनते ऑब्वियसली आई थिंक जब मैं इन्वॉल्व हुई शो में देन इट बिकेम अ कॉन्सेप्ट वेयर द मेरे साथ एक कोई भी एक सेलिब्रिटी आता है और वो अपनी रेसिपी. तो ये फूडिंग पर फोकस करता है या सेलेब्स पे? नहीं, फूड पे. एंड पीपल आर लाइकिंग द शो, पीपल आर वेरी अमेज्ड दैट द स्टार्स आर एक्चुअली कैन कुक. आई थिंक खुद खाने का कितना शौक है तो दिखाई देता है मुझे देखकर, मुझे कितना शौक है खाने का. सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं सबसे अच्छा बनाती हूँ यखनी पुलाव और एक रोस्ट चिकन बनाती हूँ मैं, अक्खा रोस्ट चिकन पानी में, इंडियनाइज वर्जन ऑफ लाइक अ टर्की बट बहुत मसाला वसाला डाल के. और बाकी सब तो बना ही लेती हूँ बट दीज आर माई टू स्पेशलिटीज. एंड मैं एक डिज़र्ट में एक लेमन पाई मैं बनाती हूँ जिसे बेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्रोजन डिज़र्ट. इस शो में सब खाना बनाना सबसे अच्छा किससे लगा, किस कैरेक्टर? अरे अभी ये बोलना मुश्किल होगा क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है लोगों ने आकर. सबसे टेस्टी किसने बनाया? सबसे टेस्टी भी मैं नहीं बोल सकती क्योंकि अलग, देखो वेजिटेरियन का अलग टेस्ट होता है और नॉन वेज का अलग टेस्ट होता है. जब अर्जुन कपूर आए थे मैं आपके सर को बोल रही थी, उन्होंने जंगली मटन बनाया जो मतलब लाल मिर्ची और मटर होता है. अब उसका टेस्ट तो आप बीट नहीं कर सकते पनीर से. बट लाइक फॉर द वेज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वेजिटेरियन. जैसे अनुष्का शर्मा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो उसने एक लहसुन की चटनी उसकी मम्मी ने सिखाई जो माइंड ब्लोइंग थी. और पनीर जैसे सोनू सूद आए लेकिन उनको हेल्दी नहीं बनाना था तो उन्होंने ब्लूबेरी चीज़ केक बनाया और एक्चुअली मुझे खाने भी दिया उस दिन क्योंकि नॉर्मली वो मुझे खाने नहीं देते हैं कुछ भी. फिर धनसाग जैसे जो पारसी डिश है वो बमन एंड हिज वाइफ कुक दैट. सो लॉट ऑफ पीपल कुक. सानिया मिर्ज़ा ने हैदराबाद की स्पेशल चिकन 65 बनाई. युवराज को कुछ नहीं आता था बनाने तो फिर मुझे उसको मिर्ची का सालन सिखा दिया वही का वही. इससे और खाना बनाना चाहिए? अभी तो बहुत लोग बचे हैं जो आ नहीं पाए. फराग दाऊद के शाहरुख का बन आई थिंक अभी सीजन 2 में आएंगे. मैम आप इतनी मल्टीटास्किंग हैं, लाइक आप पहले कोरियोग्राफर उसके बाद डायरेक्शन और अब आप टीवी पे, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? मैं एक टाइम में और साथ में ट्रिपलेट्स के साथ साथ में बचाओ वो इम्पोर्टेंट है. अभी भी मैं आते आते गाड़ी में उनका प्ले डेट ऑर्गेनाइज कर रही थी कल पे. एक रोज तो बर्थडे पार्टी पे जाना पड़ता है तो उनको. आई थिंक एट वन टाइम आई डू ओनली वन थिंग. सो व्हेन आई एम मेकिंग अ मूवी आई ओनली मेक द मूवी, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. And you can't say looking after children because that is a part of your life that you cannot leave and say आज मैं माँ नहीं हूँ, आज मैं टी वी शो करूँगी, वो तो नहीं होता है. ये शो में ज़्यादा मेरा इनपुट काफ़ी था तो इट वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इट वॉज नॉट लाइक अ वेयर आई एम जस्ट सिटिंग एंड होस्टिंग और जजिंग. वो ईजी होता है, वो ही दिन आओ रेडी हो जाओ और अपने कॉमेंट्स देते रहो. इसमें सब रेसिपीज हमने पहले ट्राई की, सब सेलिब्रिटीज़ को मुझे खुद बुलाना पड़ा. फिर टीवी जो सेलिब्रिटीज़ उनके साथ आ रहे हैं उनको भी आई हैड टू कोऑर्डिनेट एंड गेट देम टुगेदर फिगर आउट. सो इट वाज थोड़ा हार्ड वर्क था ये शो.